भी शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस अली और आज जो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, कोई भी दो पॉइंट्स है हमारे पास, उनका हमने एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं आर्डर पेयर की शक्ल में। एक जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिस्टेंस। बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पॉइंट्स लेट्स सपोज एक हम ए ले लेते हैं और ए पॉइंट जो है वो 3, -2 है एंड जो पॉइंट बी है वो है हमारे पास 4 × 5। ये हैं दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं आप, तीन पॉइंट्स का भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस उसको रखना है आपके सामने। तो एक पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिया है 3, -2 और एक बी पॉइंट है जिसका ऑर्डर पेयर है 4, 5, यानी कि ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में हमने पॉइंट्स ले लिए। अब हम इसका बाकायदा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप देखें जी, पॉइंट ए हमारे पास गिवन है 3, -2। तो सबसे पहले जो कॉमन से पहले है ए पॉइंट में, कॉमन से पहले जो भी नंबर होगा वो हमारा एक्स वन होगा और कॉमन के बाद वाला एक्स टू नहीं होगा बल्कि वो वाई वन होगा। और इसी तरह जो पॉइंट बी है इसमें हमारा एक्स टू है, पहला पॉइंट जो कॉमन से पहले है वो एक्स टू है और कॉमन के बाद वाला y2 है। इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इजीली हमें यहाँ से वैल्यूज, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए आसानी हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं, वी नो दैट डिस्टेंस का जो फार्मूला आता है वो, अगर हमने पॉइंट पॉइंट्स का नाम जो है वो अगर हमने ए भी रखा है तो यहाँ भी ए भी लिखेंगे, क्योंकि दो पॉइंट्स की जगह डिस्टेंस शो करने का जो तरीका है वो ये है। फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है जिसे हम जजर कहते हैं। तो अब क्या करना है, हमने डायरेक्टली इसकी जो वैल्यूज है, जहाँ एक्स टू है वहाँ एक्स टू की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ एक्स वन है एक्स वन की, वाई टू की जगह वाई टू की और वाई वन की जगह वाई वन की वैल्यू पुट कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग दी वैल्यूज, कौन सी पुटिंग करनी है हमें वैल्यू वो पुट कर दे। एक्स टू है, हाँ ये फॉर्मूला इस तरह भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये x1 - x2 भी हो सकता है प्लस y1 - y2 भी हो सकता है क्योंकि होल स्केल भी होंगे, ठीक है। इसको इस तरह रखें या इस तरह रखें, एक चीज है, ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको आसानी से याद रहता है। तो ज़्यादातर मैं यही यूज करता हूँ, इसलिए मैंने पहले यही लिखा है। तो मैं इसी पे जो भी वैल्यूज आई इसी में पुट करूँगा जी। एक्स टू क्या है यहाँ से 4, माइनस एक्स वन क्या है यहाँ से 3 होल स्क्वायर, उसी तरह ऊपर देखें फार्मूले में स्क्वायर है इसी के ऊपर स्क्वायर होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस y2 5
माइनस ये वाला वाई वन की जगह माइनस टू है, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट डाल के माइनस टू लिख दिया उसके ऊपर घोस के। अगला स्टेप होगा, चार में से तीन निकाल देंगे, फोर में से तीन को माइनस करें तो वन आ जाता है, वन का स्क्वायर प्लस फाइव, ये माइनस है बाय, ये अंदर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, या बाय माइनस हो अंदर वाली जो भी अलामत होगी वो चेंज हो जाती है, प्लस टू होल स्क्वायर। ये ना आप ये स्केयर के साथ स्केयर रूट को खत्म कर रहे हैं, अभी नहीं होगा क्योंकि इधर भी स्केयर है, इधर दो बहुत स्केयर है, वो दो बहुत टर्म्स के ऊपर स्केयर है, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, लास्ट पे जाके कैंसिल कर। ये ए बी का डिस्टेंस इस तरह सेम टू सेम नीचे आएगा, यहाँ पे वन का स्केयर लें तो वन ही आता है, प्लस पाँच और दो सात हो जाते हैं, सात का स्केयर यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस सात को सात, जिनके सात का स्केयर है ना, सात को हमने दो बार मल्टीप्लाई करना है, सेवन वन सा सेवन एंड सेवन सेवन का 49, तो ये जवाब आपके पास 50 आ जाएगा। तो यहाँ तक रखें काफ़ी है, अगर आप 50 को थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो नेक्स्ट भी सिंपलीफाई हो सकता है, लेकिन इतना ही काफ़ी है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूँ तो, कन्फ्यूजन मैं चाहता हूँ नहीं हो तो बेहतर है। अब क्या करते हैं, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, पॉइंट्स भी मैंने यही रखने करना है, उसमें मिड पॉइंट फाइंड करना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिड पॉइंट, तो इसी क्वेश्चन में हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट्स मैंने ये रखे हैं, कोई चेंजिंग नहीं की। इसमें भी क्या करना है, सॉल्यूशन में एफ कॉमन से पहले जो है वो एक्स वन है वो है थ्री, तो वाई वन क्या हो जाएगा माइनस टू। ये ना हो कि आप एक्स वन एक्स टू y1 y2 ये वैल्यू रखें तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल सरे से गलत हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ से y सॉरी इसी तरह यहाँ से x2 4 है और y2 5 है, ठीक है, ये वैल्यूज मैंने अलग अलग कर ली है। तो आप जानते हैं यू नो दैट, हमें पता है क्या पता है जी, डिस्टेंस मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए बी का जो मिड पॉइंट है उसका फार्मूला हमने लिख लिया है, फार्मूला क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू, यहाँ पे कॉमन डाल लेने, और वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू, ये है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो यहाँ से देख के वैल्यूज पुट कर ले, एक्स वन क्या है थ्री है प्लस एक्स टू क्या है फोर है ओवर टू, कॉमन से तरह वाई वन क्या है माइनस टू प्लस वाई टू क्या है फाइव ओवर टू, ठीक है, वैल्यूज पुट कर ली है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं आपके पास आंसर आ जाएगा, चार और तीन थ्री प्लस फोर सेवन ओवर टू कॉमा माइनस टू प्लस फाइव, तो ये थ्री आ जाएगा ओवर टू। तो ये है आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो मिड पॉइंट हमारा आ रहा है, तो दो जो हमारे पास दो पॉइंट्स थे इनका ये मिड पॉइंट है, सेवन ओवर टू और थ्री ओवर टू, ये है हमारा मिड पॉइंट। तो इसी तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।